सो गाइस, सैमसंग को शायद समझ आ चुका है कि अगर आपको इंडिया में मिड रेंज डिवाइसेस आपके सेल करने हैं तो प्राइस कम और क्वालिटी ज़्यादा, फीचर ज़्यादा कर देने पड़ेंगे। अगर शाओमी से आपको कम्पीट करना है तो उसके मुकाबले के आपको फ़ीचर्स भी देने पड़ेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं टेक 93, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग एम सीरीज़ के बारे में। तो गाइस, सैमसंग एक एम सीरीज़ लेके आने वाला है जिसमें आपको 3 डिवाइसेस स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, M10, M20 एंड M30। इसमें प्राइस रेंज जो रहेगा 8000 से लेके 20000 तक रहेगा, और इस वीडियो में हम खास बात करने वाले हैं M20 के बारे में। तो गाइस, अगर मैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाली है इन्फिनिटी वी वाली डिस्प्ले मिलने वाली है। 6.3 इंचेस की इन्फिनिटी वी होती है, जैसे कि आपको वन प्लस 6T में देखने को मिली थी वाटर ड्रॉप नोच के साथ। 6.3 इंचेस का स्क्रीन साइज रहेगा और 2340x1080p का फुल HD LCD पैनल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और 14 नैनोमीटर वाला इसमें आपको सैमसंग का अपना एक्जोनोस का प्रोसेसर मिलने वाला है और उसका मॉडल नंबर है 7885। सो गाइस, अगर स्टोरेज वेरिएंट की इसमें बात करें तो इसमें आपको 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल का स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और 64GB और 4GB वाला वेरिएंट भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और कैमराज इसमें डुअल कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, रियर में एक रहेगा 13 मेगापिक्सल का और सेकेंड रहेगा 5 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में भी गाइस इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में सिंगल कैमरा और बैक में इसमें डुअल कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है। और गाइस, दोनों ही कैमराज में आप फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं। 4K नहीं मिल रहा है, शायद नेक्स्ट अपडेट कुछ मिले तो उसमें मिल जाएगा। और एपर्चर रहेगा 2.2 का, उसमें डुअल 4G का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ में मिलेगी 5000 mAh की बैटरी। तो सबसे बड़ी बैटरी इसमें रहने वाली है 5000 mAh की, तो 2 दिन का बैटरी बैकअप तो आप लगा ही लो। अगर 1 दिन दबा के भी आप गेम वगैरह खेलते हैं तब भी 1 दिन तो ईजिली निकल ही जाएगा। और एंड्रॉयड 8.1 इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये लीक हुआ था N22 बेंचमार्क्स में, तो शायद जब डिवाइस लॉन्च हो तो एंड्रॉयड 9 वैसे नहीं मिलेगा तो यही मिलेगा। और डिवाइस की अगर थिकनेस की बात करें तो 8.8 mm की इसकी थिकनेस रहने वाली है, और 183 grams का ये फ़ोन रहने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसी है वो जब डिवाइस लॉन्च होगा तभी पता चल पाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसे ख़रीदने में तो बस ये 28 को लॉन्च होने वाला है, और 5 या 6 फेब के फर्स्ट वीक में इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो M20 का प्राइस जो है 13000 रुपये रहने वाला है, 12999 या 990 ऐसे कुछ प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च होगा। अमेजोन पे इसमें आपको अमेजोन से इसे आप बाय कर सकते हैं, और इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं जैसे ही अवेलेबल होता है। बाकी गाइस, फर्स्ट टाइम इसमें आपको USB-C देखने को मिलेगा, साथ में हेडफोन जैक भी है, नीचे ही बॉटम में स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है। डिस्प्ले जो है काफ़ी बड़ी और अच्छी लग रही है, 6.3 इंचेस की इन्फिनिटी वी वाली डिस्प्ले है। तो सैमसंग की डिस्प्ले जनरली काफ़ी ज़्यादा कलर बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉपअप। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको फेस अनलॉक के साथ एक फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलने वाला है, जो कि रहेगा बैक साइड में, डिवाइस के बैक साइड में रहेगा फिंगरप्रिंट रीडर। अभी तक तो गाइस डिवाइस ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है, बाकी जब लॉन्च होगा तब पता चलेगा क्या इसकी परफॉर्मेंस है। तो गाइस, अभी तक के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, बाय।